हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की कथा हमारी चल रही थी और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भगवान भीष्म पितामह के समक्ष खड़े हैं। भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले, और पहले कैंटो के 9वें अध्याय के 29वें नंबर श्लोक तक हमारा हो गया था पिछले संडे को। तो उसके आगे हम देख रहे हैं कि कैसे कथा आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले छोटी सी प्रणति, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादिगौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तदा उपसंहृत्य गिरःसहस्रणीः विमुक्तसंगम मनः आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित दृक् व्यधारयत। इस पुस्तक का परपोट, शब्दार्थ सब इसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने, जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, बोलना बंद कर दिया। तो भीष्म पितामह अब शांत हो गए हैं, उनके मुख से कोई आवाज नहीं निकल रही है। और आगे लिखते हैं, उसने समस्त बंधन से पूर्णतया मुक्त होकर अन्यत्र से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चारों भुजाओं वाले थे और चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो भगवान यहाँ पे जो भगवान का रूप है वो है चतुर्भुजा वाला रूप, विष्णु का रूप। भगवान कृष्ण वृंदावन में द्विभुज रूप में रहते हैं, लेकिन वृंदावन से बाहर जब वो प्रस्थान करते हैं किसी भी लीला के लिए तो उनका रूप चतुर्भुज होता है, अर्थात विष्णु का रूप हो जाता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। श्रील प्रभुपाद इसके परपोट में बहुत चीज़ें लिख रहे हैं। जैसे यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह बोलना बंद कर दिए, अर्थात वो शरीर त्याग दिए। प्रभुपाद अंदर बहुत कुछ परपोट में लिख रहे हैं कि शरीर त्यागते समय भीष्म देव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किए। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह अगले जीवन का शुभारंभ बनता है, ठीक है ना। तो हम जब शरीर त्यागते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति एवं कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव से हम शरीर त्यागते हैं उस समय जो भाव रहता है वही भाव हमको अगले जन्म में कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये भगवद गीता के श्लोक यम यम वापी स्मरण भाव। पर यहाँ पर भीष्म पितामह ने अपने मन को भगवान में लगा दिया है और नेत्रों से भी वो अंतिम समय भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5 से 15वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, ऐसा प्रभुपाद प्रकोट में लिख रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि यही श्लोक जो जीवन के अंतिम क्षण में जिस जो मेरा स्मरण करता है वो तुरंत मेरे भाव को प्राप्त होता है। जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को व्यक्ति प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे जीवन कुछ भी करेंगे और अंत में भगवान को स्मरण कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। जो प्रैक्टिस करता है पूरे जीवन भगवान के स्मरण का वही अंत में भगवान को स्मरण कर पाता है। भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे और भीष्म पितामह हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, उनके उनके बारे में सोचते थे, उनकी लीलाओं के बारे में सोचते थे, इसलिए अंत में भी वो भगवान का दर्शन पा सके। शरीर त्याग के समय भगवान उनके सामने
खड़े थे और अपना विष्णु का रूप उन्होंने प्रकट किया था विष्णु पितामह के सामने। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद भगवद गीता से कुछ श्लोकों के उदाहरण बता रहे हैं कि अतएव हर हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। भगवान ने शिक्षा दी है अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दी है कि हमेशा हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद मुझे प्राप्त होगे, अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। तो मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके सर्वज्ञ पुरातन नियंता के रूप का स्मरण करना चाहिए। और इस प्रकार ही भगवान के बारे में प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है और हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे विष्णु पितामह या हरिदास ठाकुर के बारे में हम जानते हैं, हरिदास ठाकुर ने भी शरीर त्यागते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष दर्शन किया था, उनको बोला था कि आप ऐसे ही खड़े रहिए मेरे सामने जब मैं शरीर त्यागता हूँ। तो जैसे विष्णु पितामह के समय सामने कृष्ण खड़े थे, वैसे हरिदास ठाकुर के सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े थे। चैतन्य महाप्रभु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए हमें शिक्षा मिलती है कि शरीर त्यागते समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये संभव तब होगा जब हमेशा हम प्रैक्टिस करेंगे भगवान के स्मरण का, उनके नाम का जप करेंगे, तभी हम अंत में गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। फिर आगे श्लोक में बताते हैं कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप ठप्प हो गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति, उन्होंने स्तुति भी की। जब वो भगवान का ध्यान कर रहे थे तो उनके उनके अंदर जो शरीर में पीड़ा थी, जैसे उन्हें बहुत सारे तीर लगे थे, अनगिनत तीर लगे थे, तीरों की शैया बन गई थी, तो बहुत पीड़ा थी। लेकिन भगवान की कृपा से उस समय वो पीड़ा समाप्त हो गई, क्योंकि पीड़ा में व्यक्ति भगवान की स्तुति नहीं कर पाएगा। पर यहाँ बता रहे हैं कि उनके शरीर के सारे कार्यकलाप ठप हो गए, यानी कि उनके शरीर में अब कुछ क्रिया नहीं हो रही थी सिवाय स्तुति के। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे थे भगवान का और सामने भगवान को देख रहे थे, तो भगवान ने ही उनके शरीर के जितने घाव थे, जो दर्द था, जो तकलीफ थी, उसको भगवान ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। भगवान की इच्छा से तो सब कुछ संभव है, तो भगवान ने उनके शरीर के तकलीफ को नष्ट किया। अब ये जो भीष्म पितामह का जो गुणगान है, जो भीष्म पितामह ने गुणगान किया है कृष्ण का, ये बहुत फेमस है, भीष्म स्तुति इसे कहते हैं, भीष्म स्तुति। तो भीष्म पितामह ने गुणगान किया भगवान का, क्या क्या गुणगान किया हम अभी देखेंगे। वैसे तो लोग इसको पढ़ते भी हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, कई व्यक्ति स्तुतियों को पढ़ते हैं, स्तुतियों के श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ सकते हैं अपने घर में, जब इच्छा होगी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम हिंदी में बता रहे हैं आपको कि अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित। तो भगवान का ज्ञान था उन्हें, भगवान के बारे में वो अच्छे से जानते थे कि भगवान कौन है और भगवान के क्या कार्य हैं। तो इसीलिए भीष्म पितामह ऐसा कह रहे हैं कि जो भी मैं सोच रहा था अभी तक, अभी मृत्यु का समय है, भगवान के ऊपर पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित किया है, पर भीष्म पितामह का कहना है कि अभी तक जो मैं सोच रहा था वो सब भौतिक था, वो सब क्या था, विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। मतलब हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत नहीं थी, ऐसा उनका कहना है।
पर अब मैं अपनी चेतना को भगवान कृष्ण में लगाता हूं। ऐसा वो कर पाए, हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, पर अभी कृष्ण पितामह की स्थिति है कि वो सब कुछ छोड़ करके, अपने सारे विचारों को छोड़ करके अपने मन को उन्होंने कृष्ण में लगा दिया है। और कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। कृष्ण को किसी की आवश्यकता नहीं होती है कि कृष्ण को खुश करने के लिए किसी की ज़रूरत है, अदरवाइज वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनको बहुत तकलीफ हो जाएगी, उनको हमेशा भक्त गुणगान करेंगे तभी वो खुश रहेंगे। नहीं, वो तो भक्त अपने शुद्धिकरण के लिए गुणगान करते हैं या भक्त खुश होकर गुणगान करते हैं, पर कृष्ण को खुश होने के लिए या कृष्ण को तुष्ट होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में आत्मतुष्ट हैं। भगवान क्या है? आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। लेकिन भगवान भक्तों के नेता होने के कारण भौतिक जगत में अवतरित होते रहते हैं, कभी कभी अवतरित होते हैं, कई बार अवतरित होते हैं भगवान, और दिव्य आनंद लाभ करते हैं जब भगवान अवतरित होते हैं। जैसे राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, मनुष्य के शरीर में जब अवतरित होते हैं तो हमें लीला, जो उनकी लीला होती है दूसरे भक्तों के साथ, वो हमें दिखती। वैसे तो दूसरे रूपों में भी मत्स्य, वराह, कुर्म सब में उनकी लीला होती है। जैसे जब वराह अवतार हुआ था तो भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किए थे, परंतु जब राम अवतार हुआ तो रावण के साथ युद्ध किए थे। ये युद्ध वाली लीला हो गई। वीर रस, भगवान तो हर प्रकार के रस में आनंद अनुभव करते हैं, जैसे गोपियों के साथ माधुर्य रस में किया अनुभव, यहाँ पे वराह भगवान के रूप में वीर्य रस में अनुभव किया, आनंद उठाया, लीला जो वीर रस का अनुभव उस लीला में किया, वराह लीला में। रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ था राम भगवान का, तो उन्होंने 14 वर्ष वनवास किए, या उन्होंने राज्य का सब भार संभाला, बहुत सारी लीलाएं की राम लीला में, बहुत तरह की लीला, पिता के साथ, माता के साथ, भाइयों के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और अयोध्या वासियों के साथ, अलग अलग प्रकार की लीलाएं की। तो इसमें भगवान एक आनंद अनुभव करते हैं, ये उनकी इच्छा है स्वतंत्र, ऐसा नहीं है कि इसके सिवाय उनको आनंद नहीं मिलेगा। यदि भगवान को हम आनंद नहीं देंगे तो उनको आनंद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। भगवान आत्मतुष्ट है, लेकिन वो प्रकट होते हैं क्योंकि वो लीडर हैं, तो दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं और हमें भी वो खुद ही बनाते हैं और हमारे साथ लीला का भी आनंद वो खुद ही करते हैं। ये एक्स्ट्रा है, पर वो खुद में भी तुष्ट रहते हैं। बहुत सुंदर समझने वाली बात है। हम भगवान को कुछ बनाकर खिलाते हैं और हमें लगता है हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे हैं, हमारे गौर निताई जी भूखे हैं, हम उनको बनाकर खिलाते हैं, हम उनको ड्रेसिंग करते हैं, हम उनको हार पहनाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं खिलाएंगे तो वो भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान हमारी खुशी के लिए भोजन को, भोग को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हमारी खुशी के लिए वो रास नृत्य करें या तीर चलाएं या तलवार चलाएं या चक्र चलाएं, वो जो भी करेंगे वो हमारी खुशी के लिए, क्योंकि उन्हें जैसे भीष्म पितामह ने किया था, तो भगवान उनको मारने के लिए रथ का पहिया उठाया, या अर्जुन की सुरक्षा की, जो भी समझिए आप, तो ये सब आनंद आता है उनको, क्योंकि वो टेंशन में नहीं रहते हैं भगवान कभी भी, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे बाहर क्या हो रहा है, हम जीवात्मा हैं, हम यहाँ नाटक कर रहे हैं, ये सब कुछ भगवान जानते हैं, दूसरे कोई जाने या ना जाने। तो यहाँ पे आगे भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा धाम पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों के प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर और चंदन चर्चित कमल मुख मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता।
तो वो जानते थे, विश्व पितामह जानते थे कि भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं, वो लोकधाम में रहते हैं, वहां से अवतरित हुए हैं, और किस लिए अवतरित हुए हैं वो भी जानते थे, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम सब कुछ जानते थे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो अर्जुन के मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, और वहाँ यहाँ पे दिव्य शरीर में प्रकट हुए हैं। उनके शरीर का रंग जो है वो नीला है, भगवान का शरीर जो है वो श्याम वर्ण कहलाता है या नीला कहलाता है, नीला रंग होता है, और जो उनकी खूबसूरती है वो तीनों लोगों के जीवों को आकर्षित करती है, अट्रैक्शन है। वास्तव में कृष्ण शब्द का मतलब ही है कि जो सबको आकर्षित करता है, सर्व आकर्षक भगवान। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, रसराज कृष्ण, रसराज जो सारे रसों के राजा हैं, जो आपके साथ विभिन्न प्रकार के रसों में लीला करते हैं, इसी तरह सर्व आकर्षक हैं। हर व्यक्ति को कृष्ण आकर्षित करते हैं, देवताओं को करते हैं, जीवों को, जो प्राणी होते हैं, जो चतुष्पाद होते हैं एनिमल्स, उनको भी आकर्षित करते हैं, मनुष्यों को भी आकर्षित करते हैं, पक्षियों को आकर्षित करते हैं, और दूसरे लोकों में जो प्राणी हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना कि तीनों लोकों में, यानी उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक, जो तीन प्रकार के लोक हैं, अधो लोक जिसको कहते हैं, ये सारे लोकों के रहने वाले प्राणी चाहे जिस भी रूप में रहते हो, वो कृष्ण को, कृष्ण के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। ये है ये। उसके बाद कह रहे हैं कि उनका रूप कैसा है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, चंदन चर्चित है, कमल के समान उनका मुखड़ा है, ये भगवान का रूप है। जब साधारण भक्त भी मंदिर जाता है और भगवान का दर्शन करता है तो उनको भगवान का गुणगान करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से मटमैले हो गए थे तथा श्रम के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। तो युद्ध भूमि में जो सीन था उसकी चर्चा कर रहे हैं विष्णु पितामह, कि युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण चला रहे थे रथ, तो लगातार युद्ध भूमि में तो मिट्टी रहता है, धूल रहती है, और बहुत सारे घोड़े दौड़ते रहते हैं, हाथी दौड़ते रहते हैं, मनुष्य दौड़ते रहते हैं, तो वो धूल उड़ती है, वो धूल ऐसे स्थिर नहीं रहती है ज़मीन के अंदर, धूल भी उड़ती है। और पुराने ज़माने की बात है ना, तो उस समय मशाल वगैरह हुआ करते थे, ऐसा इलेक्ट्रिक लाइट तो नहीं था, तो मशाल जलता था और रात्रि के समय, और दिन भर धूल 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 के कारण दिखाई नहीं देता था एक दूसरे का चेहरा, इतना कभी कभी धूल उड़ता था। मतलब युद्ध भूमि में, ऐसे हमेशा नहीं, युद्ध भूमि में जब बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं तो युद्ध भूमि में ऐसे छा जाता था, धूल इतना ज़्यादा होता था कि वो छा जाता था पूरे वातावरण में, और वो योद्धा के चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर सब धूल मिट्टी लग जाता था, तो भगवान के भी चेहरे के ऊपर ऐसे ही लग जाता था। इसीलिए क्या मटमैला, उनका शरीर कैसा हो गया है, मटमैला, किस लिए, घोड़ों की टापों से उठी धूल से, मटमैला यानी मिट्टी, मिट्टी से मैला, मिट्टी से, मिट्टी की जो धूल है, धूल के कण है, उससे शरीर मलिन हो गया है, शरीर का रंग जो है वो और भी थोड़ा धुंधला हो गया है, मिट्टी पूरे शरीर पर एक लेप हो गया है, और बहुत दिन सुबह से लेके शाम तक लड़ाई के मैदान में लगातार कोई व्यक्ति लड़ता रहेगा तो कितना थक जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्रम से जब मेहनत करते हैं तो पसीना छूटता है, तो पसीने की लड़ी है उनके शरीर पे, पसीने की लड़ी है उनके चेहरे पे, मुख मंडल पे पसीने की लड़ी है,
और कह रहे हैं कि मेरे तीव्र तीरों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। और भीष्म पितामह को तीर लगा था बहुत सारा, तो तीर लगने से घाव हो गया था शरीर के ऊपर और घावों से शोभित हो रहे थे। यहाँ पे क्या रहे, घावों से अलंकृत, घावों से शरीर में तीर घाव खून निकला हुआ, तो जो इनका शरीर था वो भगवान को अच्छा लग रहा था ऐसा शरीर। आप सोचेंगे कि अच्छा कैसे लगेगा ऐसा शरीर। देखिए, जो व्यक्ति हमारे जैसा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति है, उसे तो लग रहा है कि ये शरीर ही हम हैं, लेकिन भगवान को तो ऐसा नहीं लग सकता। भगवान तो जानते हैं कि ये तो टेम्पररी है, इसका वास्तविक शरीर तो आध्यात्मिक होता है, जिस शरीर से ये अपने धाम में रहता है। ये तो थोड़े समय के लिए धारण किया है, फिर यहाँ से निकलेगा और धाम पहुँचने के बाद ये अपने शरीर में पुनः आध्यात्मिक शरीर में रहेगा, तो उन्हें क्यों दुख होगा। तो भगवान को इनका जो घाव वाला शरीर था, जिसमें तीर थे पूरे शरीर में चुभे हुए और उस खून और खून तथा घाव से जो अलंकृत शोभायमान शरीर था, वो कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा था। ये सीन है, एक तरफ भगवान कृष्ण है, एक तरफ भीष्म पितामह है, दोनों चीज भीष्म पितामह देख रहे हैं और दोनों चीजों के बारे में भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। किन कृष्ण के पास चले, जिनका वर्णन उन्होंने किया, जो मटमैले शरीर से खड़े हैं, पूरे दिन लड़ाई के मैदान में पसीना छूट रहा है उनके मुखमंडल से, उनका मुख बहुत शोभायमान हो रहा है, और वही कृष्ण जो मुझे देख इस स्थिति में देख करके भी उनको अच्छा लग रहा है कि देखो कितना अच्छा है। वीर रस, यहाँ फिर वीर रस है। भीष्म पितामह कृष्ण के साथ नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह अर्जुन और उनके पक्ष के योद्धाओं के साथ लड़ रहे हैं और कृष्ण दूर से देख करके एंजॉय कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए। वहां स्थिर होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो, और अगला वर्णन कर रहे हैं कि वही कृष्ण जो अर्जुन के बोलने पर अपने रथ को, यानी कि अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के बीच में लेके गए। कहते हैं ना भगवान भगवत गीता में श्लोक है जिसमें कि कृष्ण के अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयित्वा केशव, मेरे हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं विपक्ष के सैनिकों को देख सकूं, कौन कौन मेरे से युद्ध करने के लिए आए हैं उनको मैं देख सकूं। तो ऐसी बात है कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अपने मित्र के आदेश का पालन, अर्जुन तो मित्र भी थे, भाई भी थे, तो मित्र के आदेश का पालन करने के लिए युद्ध भूमि के बीच में चले गए और दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के खड़े हो गए, बीच में जाकर के प्रविष्ट हो गए। और उन्होंने कृपा पूर्ण चितवन से सामने वाले की आयु क्षीण कर दी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं भीष्म पितामह कि अर्जुन ने नहीं मारा किसी को, किसने मारा, कृष्ण ने मारा, क्योंकि कृष्ण जब वहां युद्ध भूमि में घुसे बीच में तो उन्होंने सिर्फ देखा, अपने दोनों नेत्रों से देखा किसे, कौरवों के सेना को, जितनी भी सेना थी पूरी सेना, और सिर्फ देख करके ही सबकी उम्र खत्म कर दी, अब तुम लोग सब समाप्त मरने वाले हो। क्योंकि अर्जुन को कहा था भगवान ने कि तुम मारो या नहीं मारो, ये तो मरे हुए हैं,
निमित्त मात्र भव सव्य साची। हे अर्जुन, तुम सिर्फ तीर उठाओ और सिर्फ नाम का चलाना है तुम्हें। इनको तो मैं मार चुका हूँ, ये सब तो अपने आप मेरे मुंह के अंदर जा चुके हैं, काल के गाल में जा चुके हैं। भगवान जब 11वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में नहीं 11वें अध्याय में भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो उसमें देख रहे हैं अर्जुन की सब भगवान के मुख में जा रहे और चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं, उनके दांतों से पिस रहे हैं सारे योद्धा। तो अर्जुन ने ये सीन देखा और डर गया कि ऐसा क्या हो रहा है, बाप रे ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं काल भी हैं। तो भगवान ने उन सबको मार दिया, अब सबका शरीर तो खड़ा है लेकिन सबकी आयु समाप्त है, 18 दिन के अंदर सब एक के बाद एक, एक के बाद एक समाप्त होने वाले हैं। तो कृष्ण की इच्छा से आयु घटती और बढ़ती है। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताया है, बहुत अच्छी बात बताया भीष्म पितामह ने कि हो सकता है उनकी आयु नहीं उस समय समाप्त होने वाली होगी, लंबी आयु होगी, लेकिन कृष्ण वहाँ गए, उन्होंने कृपा पूर्ण चित्तवन से कृपा दिखाया, क्योंकि भगवान अगर मारना भी चाह रहे वो भी कृपा ही है, कृपा किया और उनके कृपा पूर्ण दृष्टि से सबकी आयु क्या कर दी, उन्होंने क्षीण कर दी, नष्ट कर दी। गलत व्यक्ति का साथ देने से, गलत कार्य करने से हमारी आयु, हमारा यश, हमारा बल, हमारी संपत्ति सब नष्ट होती है, ये शास्त्र बताता है। तो यहाँ पे भगवान ने आयु समाप्त कर दी। अब जब आयु समाप्त हो गई तो फिर तो अर्जुन सिर्फ नाम का तीर चलाएगा, उनको तो मरना ही है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं उन कृष्ण के ऊपर मेरा ध्यान, मेरा मन एकाग्रित हो, एकाग्रचित्त हो जाए, वही ध्यान लग जाए उसी कृष्ण में जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, वही कृष्ण। कृष्ण कौन है? कई बार भगवद गीता के प्रवचन करता, जो भगवद गीता के राइटर हैं, जो परपोर्ट लिखने वाले, वो कृष्ण को कुछ अलग ही बताते हैं, कृष्ण को एक पुरुष नहीं बताते हैं। अब ये सब श्लोक को देख के आप समझ जाएगा कि वो कृष्ण जो युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ को लेकर बीच में गए, तो वो तो कोई जीरो नहीं है, वो तो कोई शून्य नहीं है, वो तो एक पुरुष है जो लेकर गए, और वो वही पुरुष है जिन्होंने देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिया था मथुरा में। तो क्लियर हो जाता है ना कि ये एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति के समान है, एक पुरुष है, पुरुषोत्तम है। इसके बाद कह रहे हैं जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने। तो भगवान ने 18 अध्याय भगवद गीता की, और उस 18 अध्याय में अंत में अर्जुन पूर्ण रूप से कन्विंस हो गया कि हाँ जो भगवान कह रहे हैं पूरा पूरा का पूरा सत्य है और मुझे युद्ध करना है। तो ये 18 अध्याय जो हुआ उसमें भगवान ने शिक्षा दी अर्जुन को, उनके मोह को नष्ट किया, उनके अज्ञानता को नष्ट किया, ज्ञान देकर ज्ञान के माध्यम से। तो इसीलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वैसे कृष्ण जो, वो कृष्ण जो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को, वही अर्जुन जो जिसका मन विचलित हो गया था, जो भ्रमित हो गया था, युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उसे ज्ञान दे करके उसकी अज्ञानता को जड़ से समाप्त कर दिया, वही कृष्ण मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने। मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाए, मेरा ध्यान सिर्फ उस कृष्ण पर जाए। देखिए वैसे तो श्लोका और है जो कि आज समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हमें समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भीष्म पितामह का आप देखिए कि भीष्म पितामह गुणगान कर रहे हैं, और काफ़ी श्लोक हैं जिसमें भीष्म पितामह स्तुति, अगले इसमें समाप्त हो जाएगा, भीष्म पितामह की स्तुति बहुत लंबी है। तो भीष्म पितामह अंतिम समय में
सिर्फ कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, बाकी सबको भूल गए। अभी उनको कोई याद नहीं है, धृतराष्ट्र हो, बाकी उनके 100 पुत्र हों या पांडव हों, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहे, और हम सबके जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए भीष्म स्तुति जो है बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है। कुछ लोग इस संस्कृत के जो पूरे श्लोकों का जो ये है लिस्ट है पूरा लंबा, उसको गाते हैं, भीष्म स्तुति को गाते हैं, क्योंकि ये भीष्म पितामह ने बोला है, पर हम सब लोगों के लिए, हम सारे भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और गाने लायक है। यस, तो ज़्यादा श्लोक नहीं है अभी, फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक कोशिश करूँगी तो शायद हो जाए। तो अगले श्लोक में है कि मेरी इच्छा की पूर्ति करके तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर आए। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है ना। उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़े। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र रास्ते में गया। ये वो सीन है जिसका आप बहुत जगह पिक्चर देखेंगे कि भगवान दौड़ रहे हैं रथ का पहिया लेके, इसलिए उनका एक नाम है रथांग पाणी। ये श्लोक जो है वो है स्व निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतः रथस्थः धृत रथ चरण अभ्यात चलद्गु हरिः इव हन्तुम इभम गत उत्तरीयः। भगवान जब दौड़ रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने सोच लिया ना कि आज पांडवों में से एक को मारूंगा, तो भगवान सोचे कि बचाना तो है मुझे, लेकिन भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तो अस्त्र शस्त्र कुछ उठाऊंगा नहीं। तो इसलिए जब भीष्म पितामह तीर चलाने के लिए एकदम तैयार हो गए, तो भगवान सोचे कि अभी अगर ये तीर चलाए तो अर्जुन खत्म, क्योंकि भीष्म पितामह के तीर को अर्जुन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस समय कृष्ण क्या किए, कृष्ण स्वयं रथ का पहिया उठा के दौड़ पड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए। और जब दौड़े तो उन होश नहीं था उनको, उनका जो शरीर पे उत्तरीय होता है जिसको आप दुपट्टा कह सकते हैं, वो गिर गया, उनका मुकुट भी गिर गया, उनके पैर के चप्पल भी गिर गया, सब इधर उधर हो गया, लेकिन भीष्म पितामह को वो तीर नहीं चलाने देना चाह रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और भक्तों की रक्षा करने के लिए उनको प्रतिज्ञा वगैरह कुछ भी याद नहीं रहता। हालांकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु वो प्रतिज्ञा तोड़ दिए। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस गद्दी पर बैठेगा, उनका जो हस्तिनापुर का राज्य था उसकी रक्षा मैं करूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उस प्रतिज्ञा को रखने के लिए पूरा जीवन वो दुर्योधन का भी सपोर्ट किए, धृतराष्ट्र का भी सपोर्ट किए, सबका सपोर्ट किए, पर उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, जो कि एक क्षत्रिय, करीब करीब क्षत्रिय करते हैं, सारे क्षत्रिय आप देखेंगे हिस्ट्री में तो पता चलेगा। पर भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके भक्त, उनके भक्त कैसे सुरक्षित रहें, भक्त कैसे खुश रहें, भक्त का कैसे कल्याण हो, इसके लिए भगवान हर समय जितना भी जुगाड़ लगाना हो, जितना भी झूठ बोलना हो, प्रतिज्ञा तोड़नी हो, सब करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि भगवान की खुशी के लिए हमें भी सब कुछ करना चाहिए। क्यों? भगवान जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हमें भी क्यों नहीं भगवान के लिए सब कुछ, अपना सब समर्पित करने के लिए तैयार होना चाहिए।
हम नहीं करते हैं ऐसा, हम कंजूसी करते हैं, नहीं बस इतना ही करेंगे, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, है ना, वो नहीं। तो ये श्लोक हमें शिक्षा दे रहा है। तो भक्त डर जाते हैं कि हमारा बहुत समय खराब चल रहा है, हम कुछ लाइफ में सब गड़बड़ चल रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी लंबी चलती है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त अब समाप्त हो जाएगा, अंतिम समय, तब भगवान दौड़ के आ जाते हैं। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे कि जैसे आप देखिए, एक राज्य में बहुत सारे प्रजा हैं किसी राजा के लिए, वो सारे प्रजाओं को, अच्छा राजा है तो सुख सुविधा देता है, रोड है, बिजली है, जो भी है, वस्त्र कपड़े, दान भी देता है, सब कुछ देता है, उसके प्रॉब्लम को भी सुनता है, जितनी प्रजा है उनके प्रॉब्लम्स को कोर्ट में बुलाकर सुनता है। लेकिन राजा, यदि राजा के पुत्र के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ गया, यदि आप ऐसा सुनते हैं कि राजा सुनता है कि हमारे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया, उस समय राजा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि कल कोर्ट लगेगा तब सुनवाई होगी, या हमारे मंत्री को भेज देते हैं, या हमारे सेना को भेज देते हैं हमारे पुत्र की रक्षा के लिए। वो तो पुत्र के लिए सीधे जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति से वो दौड़ के बाहर निकल जाएगा, खुद आगे बढ़ करके अपने पुत्र का समाचार, जो भी है समाचार, जानने के लिए, हेल्प करने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा। इसी प्रकार भगवान सारे जीवों को सब सुख सुविधा देते हैं, जैसे बिजली है, हवा है, बिजली यानी जो लाइट दिया है भगवान ने, सूर्य, चंद्रमा, हवा, खाना पीना, जो अनाज, जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन उनके भक्त के ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा होती है, भक्तों के लिए वो कभी भी किसी भी समय हाजिर हो जाते हैं। तो भक्तों को लगता है कि ऐसा तो होता नहीं है, हम तो बहुत कष्ट करते हैं, भगवान तो हाजिर होते नहीं। तो आपने देखा भीष्म पितामह जब अर्जुन को मारने के लिए चले, तब कृष्ण आए दौड़ करके रक्षा करने के लिए। उसके पहले तो अर्जुन को बोले तुम युद्ध करो, जितना भी कष्ट था, इतने सालों तक अर्जुन जंगल में पांचों भाई घूम रहे हैं, कुंती माता लेके सबको बहुत कुछ हो रहा है, लालन पालन कर रहे हैं, यहाँ तक कि द्युत क्रीड़ा हुआ, उसमें युधिष्ठिर, तो हमारा क्लास अभी समाप्त हो रहा है और हम अगले क्लास में मिलेंगे। वो